बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फोर्थ ऑनलाइन क्लास ऑफ इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज़ द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ द बिहेवियर, राइट? इफ़ यू रिमेंबर, वी ऑल्सो स्टडीड दिस branch of the psychology in our previous lecture, but previously we only tried to describe briefly the biological psychology. But in today's lecture, what we are going to do, we are going to have a detailed explanation of the biological psychology, right? So why study biology in a psychology class? So the answer is everything physiological is simultaneously biological. के इसका मतलब ये है कि हम जो भी अपना physical act, जो भी अपना behavior, physical behavior show करते हैं, that is directly related to our internal functioning. Internal function क्या है? हमारे जो biological organs हैं उनकी जो functioning है, that is directly related to our physical behavior, right? For example, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम कोई भी चीज़ अपने senses के through perceive करते हैं, वो information हमारे brain में जाती है, वहाँ process होती है और उसके बाद जो है हम अपना behavior जो है वो शो करते हैं, या कोई भी perception, कोई भी emotion, कोई भी particular जो अपना behavior है वो शो करते हैं. So that is why हम देखते हैं कि biology जो है, जो biological aspect है वो psychology के साथ directly जो है वो इंटर रिलेटेड है, और वो बहुत ही उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है. क्योंकि अगर बायोलॉजिकल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगी तो हमारा जो विजिबल ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है वो भी प्रॉपर नहीं होगा, राइट? बायोलॉजी हमारे बिहेवियर को कैसे इफेक्ट करती है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे ब्रेन, नर्व्स और हार्मोन्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे थॉट्स को, हमारे प्रोसेसेस को, हमारे फीलिंग्स, एक्शंस को प्रोसेस करने में. फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, यू फील हंगरी, क्या है ये? अगेन आपके स्टमक ने ये मैसेज है ब्रेन तक दिया, और द ब्रेन ने इसको प्रोसेस किया और यू स्टार्टेड ईटिंग. यू रिमेंबर्ड योर फेवरेट रेस्टोरेंट, अगेन ये चीज़ जो है आपके आँखों ने कोई चीज़ देखी, वो आपको पसंद आई, वो आपके ब्रेन में प्रोसेस हुई और आपने इसको कहीं पे स्टोर कर लिया. यू स्मेल द फूड और यू टेक द बाइट. ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो बायोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों के साथ जो हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद जो हैं, जो फाइनली जो है अपना बिहेवियर जो है, जो आप अपना प्रोसेस, जो भी बिहेवियरल आपका प्रोसेस है या एक्शन है वो शो करते हैं, राइट? तो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि हम बायोलॉजिकल कॉजेज़ फाइंड आउट करते हैं अपने किसी भी बिहेवियर के पीछे, कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और क्या एक्ट कर रहे हैं उसके बाद, इसके पीछे क्या बायोलॉजिकल कॉजेज हैं. तो बेसिकली इसके पीछे हम देखते हैं दो सिस्टम्स हैं जो इसके पीछे जो हैं बेसिकली इन्वॉल्व हैं. दैट इज़ वन इज़ द नर्वस सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज़ द एंडोक्रीन सिस्टम. अच्छा, अब नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम जो है वो न्यूरॉन्स से बना है, सेवरल बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स से बना हुआ है. जैसे कि हमने आपको याद होगा अपने स्कूल में, कॉलेज में, जिन लोग असल में ये जो टॉपिक है, जिन लोगों ने पहले बायो पढ़ी है मैट्रिक में, एफएससी में, उनके लिए थोड़ा सा रिलेटिवली ये उनके लिए थोड़ा सा ईजी टॉपिक है, क्योंकि वही टर्मिनोलॉजीज या वही क्या कहते हैं एस्पेक्ट है जो पहले हम जो है वो काफ़ी सारे बच्चे जो है इसको पहले पढ़ चुके हैं, राइट? तो अगर हम इसको देखें तो जो बायोलॉजी, जैसे कि हम देखते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी में जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, इसी तरह ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ब्रेन, राइट? इसके बगैर ब्रेन्स का जो फंक्शनिंग है वो पॉसिबल नहीं है, राइट? तो इसी तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर हम देखते हैं कि बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, और इन न्यूरॉन्स का जो फंक्शन है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर कम्युनिकेशन एंड इंटीग्रेशन इन द नर्वस सिस्टम, राइट? अगर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की तरफ जाएं तो न्यूरॉन्स के थ्री मेन पार्ट्स हैं, एक डेंड्राइट्स, सेल बॉडी एंड एक्सॉन. डेंड्राइट्स बेसिकली क्या है, आगे मैं आपको न्यूरॉन की जो है स्ट्रक्चर की पिक्चर दिखाऊंगी कि उसमें जो एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, जो हेरी सा स्ट्रक्चर है, वो डेंड्राइट्स कहलाता है, और ये इन्फॉर्मेशन को receives messages from other neurons and relays them to the cell body. न्यूरोन से वो लेता है information, उसको cell body के अंदर जो है वो process करता है. फिर cell body क्या है, neuron के अंदर जो एक part है cell body का, वो एक central part है, उसके अंदर जो है वो nucleus होता है, और ये जो है regulate करता है जो भी cell की सारी functioning को.
एक्सॉन क्या है? एक्सॉन एक क्या कहते हैं, सिंगल प्रोसेस एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन, इसको हम एक्सॉन कहते हैं। और ये जो है इन्फॉर्मेशन को सेंसेस से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाया जाता है, या एक पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दूसरे पार्ट की तरफ ले जाके जाता है, और फिर आप जो है अपना जो भी सर्टन बिहेवियर है वो शो करते हैं। राइट, साइनेप्सिस क्या आता है? साइनेप्सिस इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स और बिटवीन अ न्यूरॉन एंड अ मसल और द ग्लैंड, कि जो कनेक्ट करता है एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन के साथ, या एक न्यूरॉन को किसी मसल या ग्लैंड के साथ, उस कनेक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। राइट, और ये जो है अगेन कम्युनिकेशन भी है बिटवीन द न्यूरॉन्स, एक उसका सिस्टम है ये। ये जो है वो न्यूरॉन की जो है ये स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको मैंने पहले दिखाया था, जैसे कि डेंड्राइट्स की आपने देखी, एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, ये डेंड्राइट्स है। जो एक मेन सेंट्रल पार्ट है उसके अंदर न्यूक्लियस है, और फिर एक एक्सटेंडेड पार्ट है एक्सॉन का, और फिर नीचे जो है वो साइनेप्सिस हैं जो एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन या ग्लैंड या मसल के साथ जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, न्यूरॉन की तीन बेसिक टाइप्स हैं, एक सेंसरी न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन है एंड मोटर न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन बेसिकली क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेता है और उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जो है वो ट्रांसफर करता है। फॉर एग्जांपल, आपने अपने सेंसेस के थ्रू इन्फॉर्मेशन ली और उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मसल्स के थ्रू ट्रांसफर किया, उसको हम क्या उस वो किसका फंक्शन है, वो सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन है। और मोटर न्यूरॉन का क्या फंक्शन है, वो इन्फॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से प्रोसेस होने के बाद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में थ्रू बिहेवियर जो है वो ट्रांसफर करता है, फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स एंड देन ग्लैंड्स। और इंटर न्यूरॉन जो है वो बेसिकली इन दोनों को, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को जो है वो कनेक्ट करता है, इनके दरमियान जो ब्रिज है, जो कनेक्टिविटीज है, वो किसके थ्रू होती है, वो इंटर न्यूरॉन्स के थ्रू होती है। राइट, अच्छा, देन कम्स द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हम देखते हैं दो मेन पार्ट्स हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। राइट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यू कैन सी वी हैव ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अभी हम आगे, अगर हम इस सबको समअप करें, क्योंकि आपको इनकी डिटेल जो है फंक्शनिंग को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ब्रीफली ओवरव्यू मैंने करने की कोशिश की आपको ब्रीफली, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि ब्रेन का क्या फंक्शन है मेजर, और वो किस तरह से प्रोसेस करते हैं इन्फॉर्मेशन, और कैसे आपके बिहेवियर में एक मेजर जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जैसे मैंने आपको बताया, एक ब्रेन है और एक स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन जो है वो क्या करता है, जो आपके सेंसेस के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है, और फिर आप उसके रिस्पॉन्स, उस प्रोसेस करने के बाद जो है वो रिस्पॉन्स के थ्रू जो है उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ट्रांसफर करता है। राइट, और कुछ चीज़ें जो आपके ब्रेन में जो है वही जो आपने सेंसरी अपने जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनके थ्रू जो भी आप इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक लेके आए, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में स्टोर हो जाती है आप और फ्यूचर में जो है वो उस स्टोरेज से जो है आप कोई भी जो है मेमरीज जो वो जनरेट कर सकते हैं, या आप कोई भी अपना बिहेवियर जो शो कर सकते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, कंडक्ट करता है, कंडक्ट सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़। राइट, सिग्नल्स को जो कंडक्शन है वो जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होती है। राइट, देन कम्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वी हैव टू पार्ट्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, आपके सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं, और जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपकी मसल्स, ग्लैंड और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपकी बिहेवियर के थ्रू जो है वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। और मोटर न्यूरॉन्स को फर्दर स्प्लिट किया गया सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। सोमैटिक बेसिकली आपकी जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी आर्म की मूवमेंट, आपके क्या कहते हैं, तो आपकी बाजू की मूवमेंट होगी, आपका चलने की होगी, ये क्या आपके वॉलेंट्री मूवमेंट्स इनको कंट्रोल करता है। और ऑटोनॉमिक क्या है, जो आपके इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स जैसे कि आपके ब्लिंकिंग ऑफ आई हो गया, हार्ट बीट हो गया, उनको जो है वो जो कंट्रोल या रेगुलेट करता है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और उसको फर्दर जो है सिंपथैटिक और पैरासिंपथैटिक में डिवाइड किया है। सिंपथैटिक फाइट और फ्लाइट है, एंड पैरासिंपथैटिक इज रेस्ट और डाइजेस्ट। अच्छा जी, इसके बाद हम एक एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। व्हाट आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ़ यू, कि जब हम इसकी इंटरैक्टिव सेशन वाली क्लास लेंगे इस टॉपिक की, तो आप सब के सब ये एक दफ़ा एक्टिविटी जो है ये आप सब जो हैं इंडिविजुअली इस एक्टिविटी को प्रैक्टिस करके आए होंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई आपने ये चीज़ जो है ऑब्जर्व की है या नहीं की है। लेट्स सपोज, लुक एट दिस पिक्चर, लुक एट द चार्ट एंड से द कलर्स नॉट द वर्ड्स। राइट, आप इस चार्ट की तरफ देखिए
और आप जो है इसको देखिए, आपने कलर्स के जो है वो नाम से बोले, लेकिन आप क्या देखेंगे, अब जब आप ये पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद आप क्या देखेंगे कि आपका जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन है वो फोकस किस पे कर रहा है, कलर्स की तरफ, और जो आपका लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है वो आपका रीडिंग की तरफ फोकस कर रहा है, राइट। तो इसको अगर हम थोड़ा सा और थोड़ा इसकी डीप एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएं तो हम देखेंगे कि ये एक थ्योरी है, लेफ्ट ब्रेन वर्सेस राइट ब्रेन की थ्योरी, और ये थ्योरी ये कहती है कि जो राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है वो फोकस करता है आपकी जो है क्रिएटिव टास्क की तरफ जो है वो फोकस करता है, जैसे कि रिकग्नाइजिंग फेसेस, एक्सप्रेसिंग इमोशंस, म्यूजिक, रीडिंग इमोशंस, कलर्स, इमेजेस, इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, जो है वो आपका जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन है वो इन चीज़ों की तरफ फोकस करता है हमेशा, और जो आपका लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है वो बेसिकली किसकी तरफ फोकस करता है, वो बेसिकली आपकी लैंग्वेज, लॉजिक, क्रिटिकल थिंकिंग, नंबर्स और रीजनिंग की तरफ जो है वो फोकस करता है। जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि वाकई ये ऐसे ही था कि एक साइड ऑफ द ब्रेन जो है वो कलर्स की तरफ फोकस कर रहा था और एक साइड ऑफ द ब्रेन जो है वो जो है वर्ड्स की तरफ फोकस कर रहा था, राइट। तो ये एक थ्योरी है लेफ्ट ब्रेन वर्सेज राइट ब्रेन की, कि आपका लेफ्ट ब्रेन का मेन प्रोसेस क्या है और किस चीज़ की तरफ वो प्रोसेस करता है, और आपका राइट ब्रेन जो है वो किस चीज़ की तरफ ज़्यादा जो है वो फंक्शन करता है, राइट। अच्छा, अब जो सेकंड था सिस्टम बायोलॉजिकल, दैट वाज द एंडोक्रीन सिस्टम। अगेन दिस इज़ वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। एंडोक्रीन सिस्टम जो वो एंडोक्रीन ग्लैंड से बना हुआ है। ग्लैंड बेसिकली ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है एक ऑर्गन है जो कुछ केमिकल्स जो हैं उनको स्क्रीट करता है, उनको रिलीज करता है, और जो सिस्टम इसको रिलीज करता है उसको हम एंडोक्रीन ग्लैंड सिस्टम कहते हैं, और ये सब कुछ डक्ट्स के थ्रू होता है। डक्ट के एक पैसेज, एक पाथ है फॉर द लिक्विड फ्लो या फॉर द एयर फ्लो, राइट। एंडोक्रीन ग्लैंड हम देखें तो वी हैव बेसिकली फोर मेन एंडोक्रीन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायरॉयड, एड्रीनल एंड पैंक्रियाज। अब पिट्यूटरी ग्लैंड्स, व्हाट वी सी कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है वो ये वाले हार्मोन्स जो है वो स्क्रीट करता है बॉडी में, जिसमें हमारे पास एडिनोकॉर्टिको है, एंटी डायोरेटिक है, ऑक्सीटॉक्सिन है, ये वो ग्लैंड्स हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो स्क्रीट करता है। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, और इसका फंक्शन बेसिकली क्या है, वाटर रेगुलेशन, ग्रोथ रेगुलेशन एंड कंट्रोल्स द अदर ग्लैंड्स, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड नॉर्मल एवरेज अमाउंट में स्क्रीट नहीं होता आपकी बॉडी में, तो आप क्या बन जाते हैं, द पर्सन बिकम द ड्वार्फ्स, ड्वार्फ्स बोने नहीं होते कि एक जो एवरेज हाइट है, ह्यूमन हाइट है, आप उससे छोटे रह जाते हैं, ड्वार्फिज्म, राइट। अगर आपने हॉबिट मूवी देखी उसमें आपने ड्वार्फ्स देखे होंगे, तो ये बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड की कम प्रोडक्शन की वजह से अ पर्सन बिकम द ड्वार्फ, राइट। और अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो रही है, आप ज़्यादा अमाउंट में पिट्यूटरी ग्लैंड स्क्रीट कर रहे हैं, आपकी बॉडी स्क्रीट कर रही है, तो अ पर्सन बिकम द जायंट, आप एक एवरेज हाइट से ज़्यादा आपकी हाइट होती है, जैसे कि आलम चलना, राइट। देन कम्स द थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड में आप जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करें, दैट इज़ द थायरोक्सिन। अगेन ये जो है इसका जो फंक्शन है वो एनर्जी मेटाबॉलिज्म है, या आपकी फिजिकल ग्रोथ को, रेट ग्रोथ को जो है वो कंट्रोल करता है, राइट। देन कम्स एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो है ये एपिनेफ्रीन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो एंजाइम है वो स्क्रीट करता है, और ये आपकी बॉडी में सॉल्ट और कार्बोहाइड्रेट की जो बैलेंस है, जो मेटाबॉलिज्म है, उसको कंट्रोल करता है, राइट। देन कम्स द पेंक्रियाज। पेंक्रियाज इंसुलिन को जो है स्क्रीट करता है, और ये शुगर मेटाबॉलिज्म को जो है रेगुलेट करता है। इसमें जो अगर इसका जो इंसुलिन का रेट, प्रोडक्शन का रेट कम या ज़्यादा हो, तो अ पर्सन बिकम द डायबिटिक, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और ये इन दोनों, एंडोक्रीन और नर्वस सिस्टम का जो है एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है, एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है टूवर्ड्स द ह्यूमन बिहेवियर, और इनकी अगर फंक्शनिंग में ज़रा सा भी फ़र्क आता है तो ओवरऑल आपके बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर जो है वो डिफरेंस आता है, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव क्वेरीज, वी विल ट्राई टू सॉर्ट आउट दोज क्वेरीज इन आवर नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास। थैंक यू।